हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर है सुबह का टाइम, आज बेटे की स्कूल की छुट्टी है तो मैं हस्बैंड के लिए यहाँ बना रही हूँ लंच और पैक कर रही हूँ उनका लंच। देखिए यहाँ पर मैंने रोटी पैक की है, आलू की सब्ज़ी और दही। और आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि बेटे की छुट्टी थी। और इस छोटे से डिब्बे में मैं रखूँगी मिठाई थोड़ी सी, इसमें मैं मोस्टली पापड़ रखती हूँ लेकिन पापड़ ख़त्म हो चुके हैं तो मैं इसमें रख रही हूँ मिठाई। और बेटा अभी सो रहा है, उसको उठाऊंगी क्लास के लिए। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच पैक। ये हो चुका है लंच पैक यहाँ पर। तो और यहाँ दिल्ली में इस समय बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है तो स्कूल की ना छुट्टियाँ कर दी गई हैं 2 दिन की, फ्राइडे और सैटरडे की। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे बेटे की भी यहाँ पर और क्लास रख दी है ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बेटा ले रहा है ऑनलाइन क्लास, देखिए। और छोटा बेटा भी जग गया है और बच्चों के पापा हो रहे हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए। तो ये अब स्कूल वालों के लिए सही ऑप्शन है कि ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं अगर कुछ भी छुट्टी होती है तो ये बेटा ले रहा है लैपटॉप पे ऑनलाइन क्लासेस। हस्बैंड के जाने के बाद और बेटे को मैंने सुला दिया था उसको, तो मैं यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। जब तक वो सोएगा तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी थोड़ी डस्टिंग। दिवाली की सफाई तो अभी हो नहीं पाई है क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब है तो वो परेशान कर रहा है। तो देखती हूँ होई अष्टमी के बाद, होई अष्टमी तक तो मैं वैसे भी नहीं करूँगी, होई अष्टमी के बाद देखती हूँ अगर कुछ थोड़ी बहुत हो पाती है। क्योंकि हमने सोचा था कि लैंडलॉर्ड पेंट करा देंगे तो उस बहाने हमारे मतलब घर की सफाई हो जाएगी, लेकिन अभी उन्होंने मना कर दिया, बोल रहे हैं कि दिसंबर में कराएंगे। तो अभी मैं खुद ही जितनी भी हो पाएगी, लगता नहीं है कि हो पाएगी ज़्यादा। और देखिए यहाँ पर लाइट भी चली गई थी 5-10 मिनट के लिए, तो मैं डस्टिंग कर रही हूँ अभी। और देखिए दोपहर का टाइम है, मैं भी नहा ली थी और बेटा भी जग गया था तो मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी। और मैं ये बना रही हूँ उपमा, और वो उठ जाता है तो कुछ नहीं करने देता है, उसको गोदी में लेके आई फिर किचन में, और उसको खिलाऊंगी उपमा। अगर वो खा ले तो, खाता तो है नहीं, वो ट्राई करूँगी। लेकिन मैंने बनाया उसके लिए सूजी का उपमा बनाया है ये, तो चलिए उसको हम खिलाते हैं। और इसने हार्डली 1 या 1.5 चम्मच खाया होगा, 1 चम्मच, क्योंकि नहीं खाता है। अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ने बोला है इसको खिलाओ किसी तरीके से भी खिलाओ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे खिलाऊं, कुछ खाता ही नहीं है, कभी मुंह में से निकाल देता है, कभी कुछ कर देता है, नहीं खाता है ये। क्या कर लिया सारे माउथ का, देखो हेलो बोलो, हेलो बोलो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रही है। और आज मैं यहाँ पर सही कर रही थी अपना ट्राइपोड, ये लगभग 1 साल से टूटा हुआ था, टूटा हुआ मेरे बेटे ने ये गिरा दिया था तो ये ना टूट गया था। इसकी जो ये रिंग लाइट है जहाँ पर ये जॉइंट होती है रिंग लाइट, वहाँ से ये टूट गई थी। मैं दिखाती हूँ यहाँ से, ये ना यहाँ से टूट गया था, प्लास्टिक टूटी, अगर पेंच पेंच निकल जाता था तो जॉइंट हो जाता। तो मैं बहुत दिन से सोची थी इसको सही करूँ या हस्बैंड से सही कराऊँ, हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पाता है तो आज मैंने ही निकाला, ये अंदर बॉक्स में रखा हुआ था। तो मैं आज इसको कोशिश कर रही हूँ कि कैसे सही हो पाएगा ये। अब प्लास्टिक है वो बीच में से टूटा है तो इसका इसलिए मतलब ये लग रहा है कि कैसे सही होगा, क्योंकि अगर पेज पेज निकल जाए या कुछ हो जाए तो जॉइंट भी कर लो। मैं दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ से ये देखिए प्लास्टिक टूटी है पेज के नीचे से, और जो रिंग लाइट की प्लास्टिक थी वो टूटी है ये यहाँ से। तो फिर मैंने सोचा इसको ट्राई करती हूँ मैं जोड़ने का एल्फी से, तो एल्फी से ये शायद चिपक जाए, और ये एल्फी से चिपक भी गया था। तो मैंने यहाँ पर मैं एल्फी लगा के रख दूँगी इसे थोड़ी देर के लिए, मैंने एल्फी लगा दिया, आई होप ये जुड़ जाएगा।
और फिर मैंने सोचा तब तक कर लेती हूँ बेटे की टेबल। ये देखिए टेबल कितनी बेकार हो रही है, वो ख़राब कर देता है एकदम से, क्योंकि कोई भी बुक निकालता है जो यूज़ की होती है और नीचे से निकालता है फिर वो सारी ऊपर की गिर जाती हैं। तो मैंने सोचा बेटा, छोटा बेटा सो रहा है इसलिए मैं ये काम कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा लाओ ये काम कर लेती हूँ, इसकी टेबल भी साफ़ कर देती हूँ। और टेबल पे पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है, ये देखिए हेयर पिन भी टेबल पे आ जाती हैं पता नहीं कैसे। तो चलिए मैं ये बेटे की टेबल साफ कर देती हूँ जल्दी से। टेबल मैट ये मैंने बनाई थी बेटे की, इसके क्लास फर्स्ट में था शायद या प्री प्राइमरी में था तब मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी लगती है। और इसको मैंने लैमिनेट करा लिया था, अब मैं इसकी सारी बुक्स लगाऊंगी। पहले बहुत सारी बुक्स हैं, आज मैंने बैग भी धुला है ना बेटे का, तो भिगो के रख दिया सॉरी, तो इसलिए भी ज़्यादा बुक्स हो रही हैं, वरना आधी बुक्स तो बैग में रहती हैं। टेबल साफ कर दिया है बेटे की, ये देखिए अच्छे से साफ हो गई है उसकी। और अब देखिए साफ तो कर दिया है, और ये मैं साफ बेड भी साफ करूंगी। यहाँ पे इस पे मैंने बुक्स वगैरह रखी थी तो साइड में ये भी गंदा हो गया, इसको भी क्लीन कर देती हूँ जल्दी से। और देखिए मेरा ये ट्राईपोड भी सही हो गया है, ये फिलहाल तो ये चिपक गया है, अब देखते हैं कितने दिन तक ये सही रहता है, क्योंकि एल्फी से ही जोड़ा है टेम्परेरी, लेकिन लग जुड़ गया है अच्छे से। और मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ जल्दी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कर दिया, देखिए टेबल भी साफ कर दी है, बहुत गंदी हो रही थी। और इसका स्कूल बैग मैंने भिगोने के लिए, मतलब धुलने के लिए भिगो के रख दिया है। इनके स्कूल की 2 दिन की छुट्टी है, क्योंकि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रखा है इस समय पे, तो 2 दिन की छुट्टी कर दी है। और बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मैंने बैग भी बोया, बैग भी धुल दूंगी, इसकी टेबल भी। ये एक बुक निकालता है सारी टेबल ख़राब कर देता है, तो मैंने अभी साफ कर दी है। और इस और ये काम मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मिक्कू है सोया हुआ, बहुत देर से सो रहा है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सफाई का काम कर लेती हूँ। तो मैंने टेबल लगा दी है इसकी, अब देखो कितने दिन सही रहती है। फिर 2-3 दिन में मुझे लगता है इसका फिर से वैसा ही हाल हो जाना है टेबल का, क्योंकि वो एक बुक निकालता है सारी बुक्स गिरा देता है, फिर उसको अरेंज नहीं करता है। तो चलिए अब मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ लौकी, कोई सब्जी नहीं है, टमाटर भी एक ही है क्योंकि इस वीक सब्जी नहीं आ पाई थी, तो बस मैं लौकी बनाऊंगी जल्दी जल्दी। बहुत दिन से रखी है लौकी, इसका नंबर ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि लौकी तोरी कम खाते हैं हस्बैंड और मेरा बेटा, तो मैं तोरी बना लेती हूँ, वो सॉरी लौकी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। बेटा सो रहा है, जब तक सो रहा है तब तक जितना काम हो जाए ठीक है। तो चलिए मैं बनाती हूँ लौकी फटाफट। और ये कटोरी में तेल रखा हुआ था जो पूरी बनाते हैं उसका बच जाता है, वो मैंने कटोरी में कर दिया था, वही मैं तेल यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैं लौकी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, प्याज नहीं डालती हूँ, बस टमाटर डालती हूँ,
जीरा हींग और टमाटर और मसाले डाल दूँगी बस। और लौकी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, हेल्दी भी होती है, बट मेरे घर पे यहाँ खाते नहीं है, कभी कभी बना लेती हूँ, नहीं तो लौकी के कोफ्ते ही खाते हैं। देखिए इनके पापा तो आ गए थे, लेट आते हैं वो, तो हम यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, मैच चल रहा था, तो मिकू के पापा ने इसको सिखा दिया कि आउट कैसे होता है, जब आउट होता है तो कैसे करते हैं, तो वो ये कर रहा था मिकू, इनके पापा बोल रहे थे आउट, तो वो भी फिंगर ऊपर कर रहा था, मिकू सीख गया है कि आउट होगा तो कैसे करना है। फिर मैंने इसको बोला कि मिकू तो क्रिकेट का फैन हो गया, तो वो ऊपर फैन को देखने लग गया, मैंने फैन बोला तो वो उसको लगा इस वाले फैन की बात कर रहे हैं, तो ऊपर देखने लग गया था। देखिए देखिए उसके पापा ने फिर बोला, तो फिर से आपका साइन दिखा दिया उसने, मैंने फैन को बोला तो फिर से फैन को देखने लग गया। और अब हम यहाँ पर करेंगे डिनर, ये है लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी है, और देखिए यहाँ पर हम कुछ अपने होम टाउन की बातें कर रहे थे। हाँ, इस समय हम जब खाना खा रहे थे तो भूकंप भी आया था, लेकिन हमें पता नहीं चला क्योंकि हम खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, बाय।